नमस्कार, आप देख रहे हैं द बीएनवाई न्यूज। मैं विवेकानंद यादव। सामाजिक न्याय की बात हम करते हैं। विडंबना इस देश में है कि हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमजोर करने वाले हमारे ही लोग होते हैं। दलित के हाथों ही सामाजिक न्याय की लड़ाई कमजोर होती है। लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक लड़ाई की लंबी लड़ाई लड़ी तो उस लड़ाई को कमजोर किया रामविलास पासवान ने। और जब देश की ऐसी स्थिति है जहां जात पात फिर एक बार चरम पर है और स्वर्ण जाति के लोग अपने आप को आगे करने के लिए हर हथकंडे को अपना रहे हैं, 10% आरक्षण भी उसने ले लिया लड़कर, और स्वर्ण जाति के लोग एकता अखंडता को दिखाकर सरकार को झुका दिया कि हर पार्टी वाले स्वर्ण जाति के लोगों को अब राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में भेजने पर मजबूर हो गए। नौकरियों में भी स्वर्ण जाति के लोग ज्यादा से ज्यादा जाने लगे हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमजोर किया रामविलास ने। और जब सामाजिक इस विषम परिस्थिति में जब पूरे देश में स्वर्ण जाति ने सर उठाया, मनुवादियों ने सर उठाया, सामंतियों ने सर उठाया, एक अकेला राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन तैयार करके बिहार में हर प्रकार के लड़ाई को लड़ने का काम किया, हर प्रकार के सरकार के गलत नीतियों का विरोध किया। लेकिन एक बार फिर दलित ही सामाजिक न्याय के लड़ाई को कमजोर करने के लिए दुश्मन बनकर उभरकर सामने आए, जिनका नाम है जीतन राम मांझी। अकेले विधायक हैं, न आगे उनके कोई है न पीछे कोई है। महागठबंधन में जुड़ते हैं और अपने बेटा को एमएलसी बनवाते हैं और अब दबाव की राजनीति करते हैं, चूंकि उन्हें नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री बनते ही नीतीश कुमार के साथ खेल खेलने लगे तो उन्होंने उन्हें अविलंब हटाकर स्वयं फिर मुख्यमंत्री बना। इस प्रकार की महत्वाकांक्षी पाल पांछा पाल कर उन्होंने अब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले महागठबंधन, जिस महागठबंधन में हर प्रकार के लोग हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्म निरपेक्षता की बात कर रहे हैं, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ रहे हैं और अग्रणी हैं तेजस्वी यादव। हर तकलीफ और दुख को सहकर तेजस्वी यादव अपने परिवार सहित सामाजिक न्याय के लड़ाई को लेकर चल रहे हैं, लेकिन उसने घुटना नहीं टेका। और जब इस अखंड मजबूती को देखकर सामंती और मनवादी लोगों ने जीतन राम मांझी जैसे लोगों को हायर किया और फिर रामविलास के तरह जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को आंख दिखाने लगा और उन्हें कहने लगा कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वो नहीं, अभी फैसला नहीं, तो 31 तारीख तक अगर नहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी तो एक कदम चलना मुश्किल है। तो भैया अपनी पार्टी बना लिए हो, भाजपा के गोद में बैठ जाओ, जिसे उम्मीद जताया जा रहा है। सामाजिक न्याय की लड़ाई के सबसे बड़ा दुश्मन के रूप में अगर जाने जाएंगे महागठबंधन छोड़कर भागने के बाद, तो वो होंगे जीतन राम मांझी, जो दलित समाज के आते हैं। आज दलित अपने हित की लड़ाई करते हैं, दलित की लड़ाई में पिछड़ों की बात नहीं आती, दलित अपने हित की बात करते हैं, दलित अपने लिए जीते हैं। दलित की लड़ाई रामविलास ने खुद के लिए जिया, जीतन राम मांझी खुद के लिए जीते हैं, मीरा कुमार ने खुद के लिए जिया, जगजीवन राम ने खुद के लिए जिया,
लेकिन दलितों की लड़ाई में पिछड़े को दरकिनार कर दी जाती है। आखिर क्यों? आरक्षण का लाभ लेकर दलित आज यह कहते हैं कि मैं दलित हूं, तो भाई पिछड़े भी तो पिछड़े हैं। पिछड़े के पैर को खींचने का काम दलित समाज के लोग ही क्यों करते हैं? आखिर मंशा क्या है? आज महागठबंधन में एकता है, विधानसभा चुनाव सामने है, चुनाव होनी है, और इस चुनाव के समय में एकता बनाए रखने के बजाय जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव को कमजोर करने के लिए सबसे आगे दिख रहे हैं। हम यहाँ भारत चुके मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा चुप कर बैठ गए, लेकिन जीतन राम मांझी अपने आप को अब भी बहुत बड़े नेता मानते, जबकि मैंने जो भी वीडियो डाला, जनता की व्यू मैंने जाना, जनता से मेरी बात हुई, जनता का कहना है कि तेजस्वी यादव स्वयं अकेले लड़े। तेजस्वी यादव के साथ बिहार की जनता है, तेजस्वी यादव के साथ महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, बेरोजगार है, पीड़ित लोग हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे ले जाने वाले तेजस्वी यादव के साथ पूरा बिहार है। सबको छोड़कर राजद अकेले चुनाव लड़े, मांग है जनता का। और जीतन राम मांझी के चरित्र को जानने के बाद जनता थू थू कर रही है जीतन राम मांझी पर, और सामाजिक न्याय के दुश्मन मान रही है जीतन राम मांझी को। सामंती के गोद में बैठकर रामविलास पासवान ने लालू यादव को बर्बाद किया, और अब फिर तेजस्वी यादव के बढ़ते कदम को काटने के लिए जीतन राम मांझी ने फिर उन सामंतियों के चौखट पर जाकर नतमस्तक होकर आज इस तरह का खेल खेल रहे हैं। यह मैं नहीं कहता, यह जनता की आवाज है। यह आरोप जितने मैंने वीडियो में लगाए हैं रामविलास और जीतन राम मांझी पर, यह मेरी बात नहीं है। मैंने जनता के बात को अपने भाषा में रखा, जो जनता समझती है उस बात को हमने रखा। रामविलास पासवान को भी जनता सामाजिक न्याय के दुश्मन मानते हैं, पिछड़ों के दुश्मन मानते हैं उसे, और जीतन राम मांझी को भी पिछड़ों के सबसे बड़ा दुश्मन और सामाजिक न्याय के दुश्मन माने जा रहे हैं जीतन राम मांझी। आज पिछड़ों के लड़ाई को कमजोर करने वाले रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी हैं, दोनों दलित समाज के हैं, जो स्वर्ण जाति के गोद में जाकर बैठकर अपने को दलित कहते हैं। यह जनता की भावना है जो हमने रखा। जनता की यह भी भावना है कि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल बैनर तले पूरे बिहार के सारे विधानसभा सीट पर स्वयं लड़े और जीत हासिल होगी। बिहार में किसी की सरकार नहीं बननी, तेजस्वी यादव की सरकार बननी है। तेजस्वी यादव बिहार में ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लोगों के नजरिए में तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, ऐसा जनता का कहना है। यह मैं नहीं कह रहा, ये जनता की भावना है। चूंकि अखबार में और भी चैनलों में सोशल मीडिया में सही बात नहीं रखी जाती, सही बात को छिपा ली जाती है, कई तरह के लोग हैं जो विचार को दूसरे हिसाब से बदल कर ये करते हैं। सही बात मैंने बता दिया कि जनता की क्या भावना है। जनता राम विलास या जीतन राम मांझी को क्या समझ रहे हैं? दलित स्वयं के लिए जीते हैं, न कि पिछड़ों और अन्य जाति के लिए जीते हैं। दलित हमेशा सामंती और मनुवादी के साथ मिलकर पिछड़ों को कमजोर करने में आगे रहते हैं। यह उदाहरण स्वरूप आपने देखा रामविलास का रूप रंग और अभी जीतन राम मांझी का। तो दोस्तों, मैंने सर्वे दिया, सर्वे करके सर्वे के आधार पर मैंने समीक्षात्मक बात बताई। अब आप कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर स्पष्ट रूप से कमेंट करें कि क्या पिछड़ों के
लड़ाई को कमजोर करने वाले दलित हैं या नहीं हैं। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन और घंटी दबाकर, ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।